नारायण। हम जगतगुरु देवादित्यानंद सरस्वती श्री दंडी स्वामी गोलोक धाम लुधियाना से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ असहाय बीमार लूली लंगड़ी गायों की सेवा होती है। इसी दंडी स्वामी गोलोक धाम में हम लोग एक स्कूल बनाने जा रहे हैं जो गरीब बच्चों का है, असहायों का है, झुग्गी झोपड़ी रिक्शे तांगे वालों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके सभी आवश्यकताओं की पूर्ति ये दंडी स्वामी गोलोक धाम करता है। इससे पूर्व एक जगह हम थोड़ी दूर पर यहाँ से हमारी जो दूसरी गौशाला है वहाँ पर हम पहले से एक स्कूल चला रहे हैं जिसमें 300 बच्चे होते हैं। ये नर्सरी से लेकर के और 5वीं तक का होता है। ये को एजुकेशन है। यहाँ पर दिन का भोजन मिलता है, प्रातःकाल का नाश्ता मिलता है। बच्चे की जितनी आवश्यकता है स्कूल की वो सब यहाँ पर दी जाती हैं। इसी क्रम में जो भाग दो है गौशाला का हमारा, जो पंचपीर रोड में स्थित है, वहाँ पर स्कूल बनने जा रहा है। वहाँ पर इन बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए हमको अनेक प्रकार की आवश्यकताएँ हैं जो हम सिटी नीट जो NGO है उसके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि आने वाला जो भविष्य है वो केवल शिक्षा होती है, संस्कार होते हैं और विद्या होती है। यही शिक्षा, संस्कार और विद्या बच्चों का ब्राइट फ्यूचर बहुत ब्राइट करे, इनका भविष्य उज्जवल हो। शिक्षा से जीवन चलता है, विद्या से जीवन चलता है, जो जीवंत बनाता है। इसलिए हमारी ये आप लोगों को शुभकामना आशीर्वादात्मक ये वचन कहे जा रहे हैं कि आप लोग NGO के माध्यम से यहाँ जो बनने जा रहा है स्कूल उसमें अपने धन का सदुपयोग करके दान दे करके इस स्कूल को उन्नति और पुरोन्नति के लिए ले जाएं। अस्तु। हमारे जो ट्रस्ट इसकी पूरी देखरेख करता है उनमें हमारे श्री सिंगल साहब हैं, राकेश सिंगल जी, और ये NGO को मैं पूर्व से जानता हूँ 3 वर्षों से। NGO भी बहुत अच्छा है, सबकी मदद करता है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे इसका दवा का हो, हर तरह की सहायता करता है। इसलिए आप हमारे इस गौशाला से, स्कूल से, NGO के माध्यम से जुड़ें और यहाँ बनने वाले जो भवन है उसमें सहायता करें। शांति शांति शांति।